हजार लोग हजार बातें कर चुके हैं, मैं तो नहीं बदला, ठीक है। और ये कोई निजी मामला है भाई। मेरी माँ मुझे छोटे उम्र में कहा करती थी कि जेलसी इज द जॉन्डिस ऑफ द सोल, जेलसी इज द जॉन्डिस ऑफ द सोल। मुझे नहीं है वो, मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे जितनी मर्जी गालियाँ दो, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है फॉर्मल वो करो, कोई दे, याद देते हैं पहले से भी देते हैं, इस मुद्दे पे मैं नहीं बोला। आके हिंदुस्तान में बोलते हैं कि मैं गले जर्नैल बाजवा, जो पाकिस्तान के जर्नैल के गले इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने बोला कि करतारपुर कॉरिडोर, जो एक सिखों की एक धार्मिक भावना के साथ बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है, कई सैकड़ों सालों से ये मांग रखी गई है कि जहां गुरु नानक देव जी के स्थान है वहां पे ये कॉरिडोर खोला जाए और श्रद्धालु को आना जाना की मंजूरी दी जाए, लेकिन किसी पाकिस्तानी सरकार ने आज तक इसमें कोई हाथ कोई पल्ला नहीं फड़ाया, कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। लेकिन ये कांग्रेस के मंत्री आते सारी कहते मैं तो गले लग गया क्योंकि मुझे देखते ही जनरल ने कह दिया कि तुमको ये करतारपुर कॉरिडोर खोलने का हमने फैसला कर दिया है। अरे भाई बात तो ये है कि प्यासा कुएं तक जाए, बात तो ये है ना, ना वो हमारी टेरिटरी है, ना वो हमारे देश में है, तो इजाजत तो हमने एक अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट ली भाई, फॉर्मल रिक्वेस्ट मैंने वही रिक्वेस्ट किया है। और सुषमा जी ने बड़प्पन दिखाया है, बहुत बड़ी बात की है उन्होंने, हमारी आस्था जो है वो और भी विश्वास में तब्दील होती है कि उन्होंने ये कहा है कि ड्राफ्ट बन रहा है तो आई विल राइट अ लेटर। इस मंत्री के झूठ को आप देखिए, बाहर आके मीडिया को एड्रेस करके बोलता है कि मैंने सुषमा जी को कॉरिडोर खोलने के लिए बोला और सुषमा जी ने कहा मैं ये सब करूंगा, जब हकीकत ये है कि सुषमा जी को जब ये कॉरिडोर, सुषमा जी ने कहा कि हरसिमरत ने ऑलरेडी मेरे से बात करी हो, हमारी बातचीत इस पे चल रही है, तुमको बोलने की जरूरत, तुम जाओ। तो मैं हैरान रह गई कि एक कांग्रेस का मंत्री, जिम्मेदार एक मंत्री, वो पहले तो दुश्मन देश जाता है, दुश्मन को गले लगाता है, और फिर जब नाराजगी लोगों की देखी तो सिख भावनाओं के साथ इस हद तक खेलबाड़ करके इतना झूठ बोल सकता है।